नमस्कार साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता को अचानक से रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह जानकारी दो दिन पहले एक ट्वीट के जरिए दी। यह तथाकथित शांति वार्ता अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हो रही थी और इस शांति वार्ता में अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार शामिल नहीं थी। इसके कुछ ही घंटे बाद कल रात को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि उन्होंने अपने NSA जॉन बोल्टन को पद से हटा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के अखबारों में ये खबरें आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी और तालिबान के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए अमेरिका के कैंप डेविड बेस में बुलाया गया है और ये बहुत हद तक संभावना जताई जा रही थी कि इस मुलाकात के दौरान अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये कैंप डेविड वही जगह है जहां पर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने की रणनीति बनाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले वीरवार को तालिबान ने अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमला किया जिसमें एक अमरीकी समेत दो विदेशी सैनिक शहीद हो गए और 12 निर्दोष लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि तालिबान द्वारा यह हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बातचीत की टेबल पर उसका पक्ष मजबूत हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा कोई भी संगठन या कोई भी देश जो बातचीत के टेबल पर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए इस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या करेगा, वो ऐसे संगठन या ऐसे देश के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह बातचीत रद्द कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2016 के चुनाव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जनता से ये वादा किया था कि वो अमेरिका को दोबारा से महान बनाएंगे और अमेरिका को एक विश्व शक्ति के तौर पर दोबारा से स्थापित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ तालिबान द्वारा अमेरिकी सैनिकों की हत्या की जा रही है अफगानिस्तान में, अगर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते तो डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक कमजोर नेता के तौर पर अमेरिका की जनता के बीच में जाती। इसलिए भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस शांति वार्ता को रद्द कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस का कहना था कि 18 साल पहले सितंबर के महीने में ही 11 तारीख को अलकायदा द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला किया गया था और अलकायदा के आतंकियों को अफगानिस्तान में संरक्षण तालिबान द्वारा ही दिया गया था। तो 18 साल बाद ठीक सितंबर के महीने में ही और 11 तारीख के आसपास ही अगर अमरीकी राष्ट्रपति तालिबान के प्रतिनिधियों को अमरीका में बुलाते हैं और उनसे शांति वार्ता करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता को झटका लगेगा। इसीलिए इस शांति वार्ता को अवॉइड किया जाना चाहिए, ये सुझाव अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस का था। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी टीम है उसमें भी आपस में तकरार चल रही थी कि क्या तालिबान के साथ बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक तरफ जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और अमेरिकन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो तालिबान के साथ बातचीत के पक्ष में थे तो दूसरी तरफ अमेरिका के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन तालिबान से बातचीत के खिलाफ थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्वीट में बोल्टन के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हुए कहा कि बहुत सारे मुद्दे पे उनकी टीम बोल्टन के साथ असहमत थी, इसीलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया है। जॉन बोल्टन की छवि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे बन गई है जो हमेशा युद्ध के समर्थक रहे हैं। जॉन बोल्टन का हमेशा ये कहना रहा कि अमरीका को ईरान के साथ युद्ध करना चाहिए, अमरीका को नॉर्थ कोरिया व वेनेजुएला के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए और उनके खिलाफ टफ एक्शन लेने चाहिए। तो जो जॉन बोल्टन की एक छवि थी वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हॉकिश व्यक्ति के तौर पे बन गई थी, जो व्यक्ति हमेशा युद्ध का समर्थन करता है, जो व्यक्ति एक तरीके का कट्टर है। हाल ही में हुए G7 सम्मिट के दौरान G7 सम्मिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत के लिए तैयार हैं, उनके द्वारा बातचीत के द्वार खोल दिए गए थे G7 सम्मिट के दौरान। लेकिन उसके बाद जॉन बोल्टन ने इस बात को लेके राष्ट्रपति ट्रंप से नाराजगी जताई क्योंकि वो ईरान के साथ बातचीत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। तो काफ़ी लंबे समय से राष्ट्रपति ट्रंप और NSA जॉन बोल्टन के बीच तकरार चल रही थी, इसीलिए जॉन बोल्टन को उनके पद से हटा दिया गया और जॉन बोल्टन तीसरे NSA बन गए हैं जिनको राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बर्खास्त किया गया है। और जॉन बोल्टन के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज किया। अब एक्सपर्ट्स द्वारा संभावना यह जताई जा रही है कि यह शांति वार्ता रद्द होने के बाद अफगानिस्तान में दोबारा से हिंसा बढ़ेगी।
एक तरफ तालिबान द्वारा यह बयान दिया गया है कि अब वो अपने हमले तेज कर देगा और अमेरिका को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा कि उन्होंने शांति वार्ता को रद्द किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन आर्मी की सेंट्रल कमांड के चीफ मैकेंजी ने कहा कि अमेरिका की सेना भी चुपचाप नहीं बैठेगी और तालिबान के खिलाफ अपने हमलों को तेज करेगी। पिछले कुछ समय में वैसे भी अमेरिका की वायुसेना और अफगानिस्तान की सेनाओं द्वारा तालिबान पर हमले तेज कर दिए गए हैं और पिछले 10 दिन में 1000 से ज़्यादा तालिबान के लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब देखना साथियों यह होगा कि जो अभी आगामी राष्ट्रपति चुनाव हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन चुनावों को किस तरह से सफल तरीके से अमरीका और अफगानिस्तान की सरकारें करवा पाती हैं। यह उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि तालिबान इस राष्ट्रपति चुनाव के बिल्कुल खिलाफ है और तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव नहीं होने चाहिए। बातचीत के दौरान भी तालिबान द्वारा यह बार बार शर्त रखी जा रही थी अमेरिका के सामने कि इस राष्ट्रपति चुनावों को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि तालिबान लोकतांत्रिक सिस्टम में विश्वास नहीं रखता है, तालिबान कट्टर इस्लाम में विश्वास रखता है, तालिबान जबरदस्ती शरीयत को जनता के ऊपर थोपने में विश्वास रखता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी 2016 में अमेरिका की जनता से प्रॉमिस किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज को वापस बुला लेंगे। तो अमेरिका में भी आने वाले समय में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो अब देखना यह होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किस तरीके से अपने उस वादे को पूरा करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका की फौज को अफगानिस्तान से वापस बुलाएंगे। तो अभी ये एक बहुत ही कठिन समय है स्ट्रेटेजी वाइज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, क्योंकि उनको दोनों चीज़ें सुनिश्चित करनी है कि वो 2016 में अमेरिका की जनता से किया गया वादा भी पूरा करें और दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी ना होने दें जिससे तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले या अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या कोलैप्स हो जाए। तो इस चीज़ को भी रोकना है और दूसरी तरफ 2016 में किया गया वादा भी पूरा करना है। तो अब देखना यह होगा कि इस मुश्किल समय में स्ट्रेटजी वाइज किस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप डिसीजन लेते हैं। साथियों, हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किस तरीके से तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता को अचानक से रद्द कर दिया और क्या कारण थे जिनकी वजह से ये शांति वार्ता रद्द की गई और किन वजहों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने NSA जॉन बोल्टन को उनके पद से हटा दिया। आपने हमें सुना, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।